नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अचार के मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से अचार का मसाला तैयार किया है। सौंफ, राई, धनिया, मेथी दाना, ये है कलौंजी और जीरा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने जो मसाले रखे हैं उनको भूनना है, तो हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में और कढ़ाई को थोड़ी देर हम गरम हो जाने देंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें डाल देना है राई। आप जितना अचार रख रहे हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं सामग्री जो भी है। तो हम इसको भून लेंगे। राई को भूनते टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि ये काली होती है, तो समझ में नहीं आती है कि हमको इसको कितना भूनना है। तो ये देखिए किस तरीके से चिटचिटा रही है, तो इसका मतलब हमारी राई को हमको इतना ही भूनना है और महक भी आने लग गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। ये हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको रख देंगे साइड में और धनिया भूनेंगे। अब हमने गैस पे फिर से कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और कढ़ाई हमारी गर्म है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। तो धनिया तो दिख जाएगी कि हमको कितना भूनना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि धनिया किस तरीके से और कितना भूनना है। इसको थोड़ा सा लाल कर देना है, तब तक इसको भूनना है और छोड़ना नहीं है मसालों को, नहीं तो जल जाएंगे। धनिया ही भून चुकी है, कलर इसका चेंज हो गया है। ये देखिए कैसा हो गया है, लाल कलर की हो गई है। और हम गैस को बंद कर देंगे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कढ़ाई अभी हमारी गर्म है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं, इसे रख देंगे साइड में। फिर से गैस में कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में और कढ़ाई हमारी गर्म है। तो अब हम इसी में डाल देंगे जीरा और इसे भी भून लेंगे। जीरा भी हमारा भून चुका है, अब हम इसे भी निकाल देंगे एक बर्तन में। जीरे को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, अब इसे रख देंगे हम साइड में। अब हमने फिर से गैस पे रख दिया है कढ़ाई और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और इसे भी भून लेंगे। तो हम इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये मेथी दाना को इतना भूनना है, ये देखिए। तो हम इसे रख देंगे साइड में। गैस पे हमने फिर से कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। जैसा कि कढ़ाई गर्म है तो अब इसमें डाल देंगे सौंफ और इसे भी भून लेंगे। सौंफ भी भुन गई है तो गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। इन सारे मसालों को हमने भून लिया है और किस तरीके से भूना है मैंने आपको दिखाया है कि कैसे भूनना है इनको। और ये कलौंजी है तो इसको नहीं भूनते हैं, इसको इसी तरीके से अचार में डालते हैं। तो चलिए हम इन सबको पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, तो चाहे आप बाउल ले लीजिए, कुछ भी, मैंने ये परात ली है। और अब इसमें डाल देंगे राई। राई को हल्का दरदरा ही पीसना है, इसको छाना नहीं है, पीस करके। अब डाल देंगे धनिया। तो धनिया को हमने पीस करके और छान लिया है, इसको दरदरा नहीं रखा है, इसको बहुत ही महीन रखा है। हल्दी डाल देंगे। अब ये डालेंगे सौंफ। तो सौंफ को हमने पीस करके और इसे छन्नी से छान लिया है, आटा छानने वाली छन्नी से। जीरा इसको नहीं छाना है, जीरे को, जीरे तो ऐसे ही भी महीन पीस गया था जीरा। और ये है मेथी, तो इसको भी हमने पीस करके और इसको भी छान लिया था। अब डाल देंगे करायल, कलौंजी। तो इसको हमने ना भूजा है और ना ही पीसा है, इसको हम लोग खड़ा ही डालते हैं, तो इसे हम इसको खड़ा ही डाल रहे हैं। नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मसाले में नमक क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, जो अचार का मसाला होता है ना, तो उसमें नमक थोड़ा अपन ज़्यादा ही डालते हैं। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि आम जो होते हैं तो वो खट्टे होते हैं, तो खट्टे में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा ही डाला है नमक। अब मिर्ची ऐड करेंगे। तो ये इस मिर्ची को हमने घर में ही पीसा है, लाल मिर्ची को, तो वो ऐड कर देंगे इसमें। मिर्ची भी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, मैं बाज़ार वाली लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ क्योंकि कलर से तो कुछ नहीं होता है, खाने में टेस्ट होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, लहसुन का पेस्ट। हमने लहसुन को छील करके और पीस लिया था, लेकिन अगर आपको मसाला बना करके रखना है तो आप लहसुन मत डालिए, जब अचार आप बनाए तभी लहसुन डालिए। जो हमने थोड़ा सा नमक बचा लिया था उसको भी इसी में डाल दिए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस मसाले को चखा है, तो नमक तो बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन जब ये अचार में जाएगा तो फिर नमक और ज़्यादा कम हो जाता है,
तो इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। हम पानी वाले अचार के लिए ये मसाला तैयार किए हैं, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना कि मैंने किस तरीके से पानी वाला अचार बनाया था। तो इसलिए अचार नहीं शेयर कर रही हूँ, केवल मसाला शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये हमारा मसाला पूरी तरीके से बन चुका है, ये हमारा अचार का मसाला बन करके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।